हेलो दोस्तों, वेट मशीन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस कांटे की डिस्प्ले सही नहीं है, तो इसको कैसे रिपेयर करना है जानने के लिए देखें वीडियो। सबसे पहले पैन को हटाना है और साइड के दोनों नटों को खोलना है। भाइयों, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए मेहनत करके बनाई है, शेयर भी करें आगे। नट खोल के इस पत्ती को हटा लेंगे। डिस्प्ले के सामने के दोनों नटों को खोलकर डिस्प्ले को बाहर निकाल लेंगे। भाइयों, इस चैनल पे आपको सभी कंपनी के कांटों की कैलिब्रेशन की वीडियो, रिपेयरिंग की वीडियो मिल जाएगी। सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे कि भाइयों, इस कांटे की डिस्प्ले प्रॉपर है, बिल्कुल सही है। इसके कनेक्टर के अंदर दिक्कत है, तो कनेक्टर को कैसे चेंज करना है देखें आगे। सबसे पहले डिस्प्ले से कनेक्टर को हटाना है और कैंची की सहायता से पुराने कनेक्टर को काट देंगे। इसी काम के बाजार में आपसे 150 से 200 रुपए लेते हैं, वही काम आपका घर पर 5 रुपए में हो जाएगा। कैंची से पुराने कनेक्टर को काट दें और इसकी जगह नया कनेक्टर लगा दें। पहले नए कनेक्टर को पहले हाथ से बिल्कुल सीधा सेट कर दें, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब इसको प्लास्ट की सहायता से झटके से दबा दें। दबाते समय एक चीज का ध्यान रखें, दोनों साइड बराबर जोर लगना चाहिए। वैसे तो कनेक्टर लगाने का एक अलग औजार आता है, पर वो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए आपको प्लास्ट से करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, कनेक्टर लगाने के बाद डिस्प्ले प्रॉपर ठीक हो गई है। ये आपका 150-200 रुपये का काम सिर्फ 5 रुपये में घर पर हो गया है। आपके पैसे भी बच गए और टाइम भी बच गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।